नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दुगाला अकेडमी पे। और आज हम सीबीएसई का 2024 क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, जैसे कि सबसे पहले तो रियल नंबर होता क्या है वो भी आज समझेंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जैसे जैसे हम यूनिट या चैप्टर को करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है, राइट, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सरसाइज 1.1 नजर आ रहा होगा, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, तो जो बड़े ही आसान है और इनको हम जल्दी से शुरू करते हैं, राइट। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, जिसको मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो उसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो है 140, यानी कि 140। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि ये जो नंबर हमें दिए हैं इनको हमने इनके प्राइम फैक्टर्स देने हैं, बनाने हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, क्विकली शुरू करते हैं जी, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास 140, तो प्राइम फैक्टर्स बनाने का बड़ा ही एक आसान तरीका है, उसको आप इस रूप में लिख लीजिए 140 को। अब 2 से डिवाइड करें तो ये 70 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया। अब ये 2 से नहीं जा सकता तो फिर ये आगे 5 पे जाएगा, 5 7 35, और फिर 7 आ गया, 7 प्राइम नंबर है तो 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे मैं देखूँ 140 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में ले सकता हूँ 2 × 2 × 5 = 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 140 है 2 की 2 पावर पे आ रहा है, 5 की 1 पे आ रहा है, और 7 की 1 है जी। तो ये अब आपका आंसर आ गया, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 156। बिल्कुल उसी तरीके से फिर से करेंगे, 156 को राइट हैंड साइड में लिख लिया, फिर हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 78, फिर से 2 पे डिवाइड किया तो अब आ गया हमारे पास 39, फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे हम तो अब आ गया हमारे पास 13, और अब 13 प्राइम फैक्टर है, किसी पे नहीं जाएगा, 13 पे ही जाएगा, तो ये आ गया जी। तो सिंपली जो 156 है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 13। तो 156 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 1। अब ये बन गया जी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो ये हमारे सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड नंबर है हमारे पास 3825। अगेन सिंपल वही फॉर्मूला है जो पहले किया था, 3825 लिख लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए सबसे छोटे नंबर पे, अब चूंकि ये कम से कम 5 पे डिवाइड होगा तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 × 7 = 35, फिर आगे 6 आ जाएगा, फिर आगे 5 आ गया, राइट। फिर आगे इसको ऐसे सॉल्व करते रहिए, 5 153 पे चला जाएगा जी, फिर अगेन अब ये 153 है तो 5 पे नहीं जाएगा, अब इसको 3 पे कर लेते हैं, 3 पे आ जाएगा तो 3 पे ये 51 पे आ जाएगा, फिर से 3 पे किया तो ये अब 17 पे चला गया, 17 आगे किसी और पे नहीं जाएगा तो ये 17 पे ही आएगा, तो ये सॉल्व हो गया। आप इसको अगेन उसी रूप में लिख लेंगे, 3825 = 5 × 5 × 3 × 3 × 17, तो = दैट मीन्स 5 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, और 17 की पावर 1। ये बन गया जी इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो ऐसे हमने ये 3 सॉल्व कर लिए। अब आगे चलते, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 5 है तो 2 और है हमारे पास, तो इनको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5005, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए क्योंकि 5 है तो मुझे पता है कि 2, 3, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे ही जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1001, ठीक है जी। अब इसको 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 143, फिर इसको नेक्स्ट, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, अभी आगे सीधा जाके 11 पे जाएगा तो 11 × 13 = 143 होता है, और अब ये 13 पे जाएगा, अगेन प्राइम फैक्टर है तो 1 आ गया। तो इसके प्रोडक्ट क्या बन गए जी, वेरी सिंपल, 5 × 7 × 11 × 13, सबका ही 1 है, एक एक पावर ही है, तो ये इसका आंसर हो गया सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट हमने बताने थे प्राइम फैक्टर करके, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी और जो प्रोडक्ट थे वो लिख दिए कि क्या पावर में है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी 7429। अब इसको सॉल्व करना है तो ये अगेन काफी थोड़ा ट्रिकी है, काफी टेबल करने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सीधा सीधा जा रहा है 17 के ऊपर, तो 17 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 437, फिर इसको आगे ये 19 पे जाएगा
तो 19 पे गया तो ये 23 आ जाएगा जी आंसर, और फिर 23 प्राइम फैक्टर है तो ये 23 पे ही जाएगा, राइट। तो अब ये हमारे पास जो आ गया वो है 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23, और अब ये इसका आंसर आ गया, राइट। तो अब हम क्वेश्चन वन अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या कह रहा है, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब हमें दो नंबर दे रखे हैं तो हमने उनका एलसीएम निकालना है, फिर उनका एचसीएफ निकालना है, और ये प्रूव करना है। एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, एक सिंपल फॉर्मूला होता है जी, यहाँ देखिएगा आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो ये फॉर्मूले का प्रूव करना है कि अगर HCF और LCM जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो जो दो नंबर हमें दिए थे उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो दो नंबर दे दिए, उनका पहले HCF निकाल देंगे, फिर LCM निकाल देंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर प्रूव कर देंगे। बड़ा ही आसान है, तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास है पहला है 26 and 91, तो इसको शुरू करते हैं जी। तो अगेन मेथड वही रहेगा, अगर हमने 26 को सॉल्व करना है तो 26 यहां पे आ जाएगा 2 पे, 13 और 13 1, तो जो 26 के फैक्टर क्या बन गए जी, 2 और 13, ठीक है। और अब 191 को सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और अगर आप 91, तो 91 को सॉल्व करेंगे तो 91 को जब हमने सॉल्व किया पहले 7 पे जाएगा, ठीक है, 7 13 91 और 31 का, तो जो हमारे पास आया 91 के फैक्टर्स वो आगे 7 × 13। अब जी हमने पहले निकालना है HCF, फिर हमने निकालना है LCM या दोनों में से कोई भी, और फिर इनके प्रोडक्ट को प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन को उनके बराबर प्रूव करना है। तो आप पहले समझते हैं जी LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। तो ये अब आपकी स्क्रीन पे मैंने फॉर्मूला लिखा है जी, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसको पहले समझ लीजिए क्या है। तो LCM कैसे निकालना है कि जो आपके फैक्टर आए, मतलब दो नंबर थे अब उनके फैक्टर्स आ गए यहां पे, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट ईच प्राइम फैक्टर, मतलब एक तो हर नंबर को लेना है, किसी भी नंबर को जब LCM ले रहे छोड़ना नहीं है, मतलब ये 2 है, 13 है, 7 है, ये तीन नंबर है हमारे पास, तो ये तीनों ही आएंगे और इनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो लेनी है। तो 2 की भी एक पावर है, 13 की भी एक है, 7 की भी एक है और 13 की भी एक है, तो मतलब जब हम LCM निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 की मैक्सिमम पावर 1 है जी, 13 की भी 1 है और फिर 7 की भी 1 है, तो ये आपका 2 × 7 × 13 LCM बन गया, तो ये बन गया जी 182। HCF, अब HCF को देखते हैं, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है उसी को लेना है और उसकी जो सबसे छोटी पावर है उसको लेना है। अब LCM और HCF को अच्छे से समझ लीजिए, HCF के केस में सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वही लेना है और उसकी सबसे छोटी पावर को लेना है, और जबकि LCM में बड़ी पावर्स को लेना है और सारे के चाहे वो कॉमन है या नहीं है सबको इंक्लूड करना है, ये इन दोनों में अंतर है। तो HCF बड़ा आसान है जी, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 13 है और 13 की जो एक ही पावर है छोटी वो ये है, तो ये HCF आ गया 13 और ये आ गया LCM। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 × 182, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कुछ निकल के आएगा 2366, ठीक है। अब हमने साबित करना है कि HCF into LCM is equal to product of two number, जो अगला स्टेप है हमारा, तो ये HCF था, ये LCM था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब अगर हमने वेरीफाई करना है तो दैट मीन्स 26 × 91, ये जो दो नंबर थे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही नंबर आना चाहिए, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल यही नंबर आएगा, हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो HCF है और LCM है अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा, ठीक है जी, और यही हमने किया। सेम अगले क्वेश्चन में भी कर देते हैं, बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल है जी, ठीक है, तो जल्दी से कर देते हैं इसको भी। तो पहले 510 को तोड़ते हैं, 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो हमारे पास कहा गया पहले 2 पे जाएगा तो ये बन गया 255, फिर उसके बाद ये 5 पे गया तो आ गया जी 51, फिर उसके बाद 3 पे गया तो ये आ गया 17, फिर उसके बाद ये 17 पे गया तो 1 आ गया। नेक्स्ट है जी इधर 92 को कर लेते हैं, 92 को किया जी 2 पे किया तो 46 आ गया, फिर 2 पे किया तो 23 आ गया और फिर 23 पे किया तो 1 आ गया। अब आगे का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जी, अगेन HCF और LCM निकालना है, तो जो 510 था उसके मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 5 × 3 × 17, और जो 92 के हैं वो है 2 की पावर 2 × 23 की पावर 1। अब LCM का फॉर्मूला क्या था कि हर किसी को लेना है,
और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर को लेना है। अब देखिए 5 को लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ नहीं है, 3 को भी लेना पड़ेगा, 17 को भी लेना पड़ेगा, 23 को भी लेना पड़ेगा, तो क्या आ गया हमारे पास, और साथ में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट वो 2 की पावर 2 होगी, तो दैट मींस 2 की पावर 2 को लेना पड़ेगा जी, 23 को भी लेना पड़ेगा, 17 भी, 5 भी, 3 भी, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुछ फिगर आपके पास आएगा 23460, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आगे एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ आसान था कि एक तो कॉमन ही लेना है, तो कॉमन अब इसमें क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है जी, और 2 की सबसे छोटी पावर को लेना है तो वो 2 की पावर 1 है, तो 2 हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमने प्रूव करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम, दैट मींस 23460 इनटू 2 कर देते हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ हमारे पास आ गया ये फिगर 46920, और अब ये बराबर आना चाहिए अगर आप 510 इनटू 92 करते हैं, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46920 अगेन। तो फिर हमने प्रूव कर दिया कि एच सी एफ और एल सी एम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आता है, तो हमने इनको सॉल्व भी कर दिया और प्रूव भी कर दिया कि ये ठीक है जी। राइट, आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 336 and 54, सेम उसी फॉर्मूला से करेंगे जी। पहले 336 को सॉल्व कर देते हैं क्विकली, तो पहले 3 पे करते हैं तो ये आ गया जी 112, और फिर हमने किया 2 पे किया तो ये आ गया 56, फिर हमने 2 पे किया तो आ गया 28, फिर हमने अगेन 2 पे किया तो ये आ गया 14, फिर हमने 2 पे किया तो आ गया 7, और फिर 7 पे किया तो 1 आ गया। ऐसे 54 को कर लीजिए, 54 को किया, 2 पे किया तो 27 आ गया, फिर 3 पे किया तो 9 आ गया, फिर 3 पे किया तो 3 आ गया, और फिर 3 पे किया तो 1 आ गया। अब इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 336 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 है जी, 2 की 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 आ गया और 7 की पावर 1 आ गया। सिमिलरली जो 54 है आपका वो आ गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अगेन एलसीएम बड़ा आसान है जी, हर किसी को लेना है, और जो कॉमन है उसके सबसे बड़ी वाली पावर को लेना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 की बड़ी पावर क्या है जी, 3 है, ये ले लिया। 2 भी कॉमन है और 2 की जो बड़ी पावर है 2 की 4 है, तो ये ले लिया, और 7 है ही नहीं तो 7 की जो पावर है वो ले लिया। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिगर आपके पास आ जाएगा 3024। HCF बड़ा आसान होता है, बड़ा सिंपल है। HCF में आपने क्या करना है कि जो कॉमन है पहले तो वो लेना है और छोटी पावर को लेना। 2 कॉमन है, 2 की जो छोटी पावर है 2:1 ले लेंगे, फिर 3 कॉमन है, 3 की छोटी पावर 3:1 ले लेंगे, तो ये आंसर आ गया 6। LCM आ गया, HCF आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3024 × 6, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिगर आएगा 18144, ये फिगर आ गया ये आपके पास, और फिर आप 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम अगेन फिगर आ जाएगा 18144 आपके पास, और ये फिगर मैच हो रहा है, दैट मींस HCF इनटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये तीनों ही क्वेश्चन में हमने बारी बारी प्रूव कर दिए। पहले 3 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, सिर्फ फर्क इतना है कि इस बार इन्होंने हमें 3 नंबर एक साथ दे दिए, मतलब पहले 2 नंबर दिए थे तो हम निकाल रहे थे, अब 3 दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, ये भी निकाल देंगे, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे जी। बड़ा सिंपल है, 12 है, इससे आसान क्या ही होगा। 12 का हम एलसीएम निकालते हैं, 26 पे चला गया जी, 23 पे चला गया और 31 पे आ गया, डन। अब 15 को कर लेते हैं ऐसे ही, 15 को 3 पे करिए जी, 5 आ गया, और 5 पे करेंगे तो 1 आ गया, ये भी हो गया, आसान था बड़ा। 21 को कर लेते हैं, 3 पे करा तो 7 आ गया, और 7 पे करा तो 1 आ गया, तो हो गया जी हमारा काम। 12 हो गया जी, 12 तो 2 की पावर 2 है, 3 की 1 है, तो फिर हमारे पास है जी 15, 15 की 3 की 1 है, 5 की 1 है, फिर 21 है, तो वो 3 की 1 है और 7 की 1 है, ठीक है जी। अगेन बड़ा आसान है, एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम क्या था, हर नंबर को लेना है और जो कॉमन है उसका बड़ी पावर को लेना है, तो हमारे पास जो 2 है वो कॉमन नहीं है, तो 2 की एज इट इज आ जाएगा जी, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 है, कॉमन आ रहा है, पर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 की 1 है, तो 3 की 1 हो गया। उसके बाद 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो ये आ गया जी 2 की 2, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1 पावर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिगर आ गया 420। हमारे इंडिया में इसका कुछ और मतलब भी होता है, पर आंसर आया 420। HCF और भी आसान है जी, HCF जो कॉमन है पहले तो वही लेना, तो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, अब 2 नहीं है कॉमन, 5 भी कॉमन नहीं, 7 3 कॉमन है जी, देखो 3 तीनों में है, और उसकी सबसे छोटी पावर को लेना है, वो पावर क्या है जी, 3 की 1, तो ये हमारा आंसर आ गया जी 3, दैट्स ऑल। 420 और 3 इसका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, बड़े ही आसानी से, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, तो सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं जी, अब जल्दी से 17, 23 and 29 हमारे सामने, ठीक है। तो अब ये अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे देखोगे जी तीनों ही प्राइम है, 23 का भी कुछ नहीं आता, 17 का भी कुछ नहीं आता, तो ये सिर्फ अपने आप पे ही डिविजिबल होते हैं। तो इनका क्या आ गया जी, अगर आप 17 का लोगे तो वो 17 × 1 आ गया, 23 का देखोगे तो 23 × 1 आ गया,
29 का देखेंगे तो 29:1 आ गया। अब LCM अगर निकालना है तो आपको पता है जी कि हर किसी को कंसिडर करना पड़ेगा, तो इन अदर वर्ड 17 × 23 × 29 क्यों? क्योंकि जब LCM निकालते हैं तो हर फैक्टर चाहे वो कॉमन है या नहीं है उसको लेना पड़ता है, और जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर को लेना पड़ता है। तो ये अगर आप करेंगे 17 × 23 × 29 काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 11339। HCF आसान होता जी, जो कॉमन है और सबसे छोटा है, और कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है जी, और तो कुछ है ही नहीं, तो HCF 1 आ गया जी, बड़ा ही सिंपल, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल एंड ईजी है जी। ठीक है, अब हमारे पास है जी अगला क्वेश्चन 8, 9 और 25। अगेन बहुत सिंपल है जी, 8 को हम अगेन प्राइम फैक्टर्स कर देंगे तो ये चला गया 2, 4, देन 2, 2, 2, 1 था, 9, 3, 3 पे चला गया, और जो 25 है वो 5, 5 पे चला गया। तो क्या गया हमारे पास, जो 8 है उसके फैक्टर्स आ गए 2:3, 9 के आ गया 3:2, और 25 का आ गया 5:2। अगेन फिर से LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को लेते हैं, और अगर कॉमन है तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो इनकी जो भी है एज इट इज़ ले लेंगे, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी आंसर 1800, जो कि इसका LCM रहेगा। उसके बाद है जी HCF, HCF में यहाँ पे देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ जो 1 है वही आ रहा है, तो 1 को एज इट इज़ हम HCF आंसर में लिख देंगे, राइट। तो अभी तक हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है कि गिवन दैट HCF दो नंबर हैं 306 एंड 657, ये दो नंबर है जी, इनका HCF दे रखा है जो 9 के बराबर है, LCM हमने निकालना है, बड़ा ही आसान है, बहुत सिंपल है। ये देखिए HCF दो नंबर हम कहाँ में दे रखा है, हमारे पास सिंपल फार्मूला है जी, LCM इंटू HCF कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होना चाहिए, इतना आसान है जी। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं, LCM हमें क्या है नहीं पता, LCM हमने निकालना है, HCF कितना है 9 दे रखा है हमें, दो नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, लो जी, तो LCM किसके बराबर आ गया, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा 22338, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है, एक मिनट में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 raised to power 9 कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सेम चीज़ यहाँ बुक में भी दे रखी है जी, चेक वेदर 6 raised to power 9 कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब ये है जी कि जो 6 की कुछ भी पावर है, मतलब 6 है और उसका कोई भी पावर हो n नेचुरल नंबर, क्या अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या कहीं ना कहीं मतलब वो डिजिट 0 आएगा, मतलब अगर इसको सॉल्व किया जाए आगे आगे कुछ भी पावर दे दो, क्या एंड में किसी लास्ट नंबर पे 0 आ सकता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है जी कि अगर इसको सॉल्व किया जाए और एंड में 0 आए तो फिर वो डेफिनेटली 5 पे डिविजिबल होगा, मतलब 5 उसको डिवाइड कर पाएगा जो भी नंबर आ जाए, मान लो फॉर एग्जांपल 610 आ जाए, 6000 आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए कि एंड में 0 आ जाए, तो वो डेफिनेटली 5 उसको डिवाइड करेगा, 5 उसको डिवाइड करेगा फॉर श्योर। पर अगर 5 डिवाइड करेगा दैट मीन्स उसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए, तभी मतलब वो 0 आएगा। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि अगर 6 raised to power n में एंड में कहीं पे 0 आएगा तो उसका मतलब है कि फिर वो 5 पे डिविजिबल होगा, और अगर दूसरे स्टेप पे पता लगा कि अगर वो 5 पे डिविजिबल होगा तो दैट मींस उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए। पर अगर हम इसको इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो बड़ी सिंपल है जी, 2 raised to power n होगी और 3 raised to power n होगी, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, तो जो भी इसकी पावर होगी, इसको बेसिकली 6 की n को हम ऐसे खोल सकते हैं जी, इसको लिख दिया 2 × 3, ये फार्मूला होता है, और इसको 2 की n और 3 की n हमने बना दिया। ठीक है, तो मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2:n और 3:n ही हो सकती है और नहीं कुछ, दैट मीन्स उसमें कहीं पे भी 5 नहीं आता, और अगर 5 कहीं नहीं आता दैट मीन्स 6 की पावर की n को अगर आप खोलोगे तो उसमें कहीं पे भी 0 नहीं आएगा, इट डज नॉट कंटेन 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस इट कैन नॉट एंड 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद 0 बाई एनी मीन्स। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये कंपोजिट नंबर हैं, ये हमें बताना है क्यों। तो उससे पहले बताने से पहले हमें समझना होगा कि भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो पहले वहां पे आते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम बताएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या, बड़ा ही आसान है जी, किसी भी नंबर को आप कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, किसी भी नंबर को आप कंपोजिट नंबर कह सकते हैं अगर उस नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से ज्यादा फैक्टर ना आए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी, मान लो 23 है, तो अब 23 एक तो खुद ही होगा 23, एक तो हो गया प्राइम फैक्टर, दूसरा 1 होगा,
वाले तो हर जगह पे होता ही होता है, मतलब ये दोनों तो होंगे होंगे। इसके अलावा अगर कोई तीसरा आ गया, अगर कोई थर्ड आ गया, ठीक है, तो फिर वो कंपोजिट नंबर है, और अगर नहीं आया तो फिर वो कंपोजिट नंबर नहीं है। अ नंबर इज अ कंपोजिट नंबर इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है जी। तो उसका कोई भी एग्जांपल है, 17 का ले लीजिए, तो इसका 17:1 ही है, ठीक है। तो अगर इसके दो से ज्यादा है तो फिर क्या है, वो कंपोजिट नंबर है। अगर दो से कम है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करी जाए तो दो से ज्यादा आएंगे। तो बड़ी क्विकली इसको सॉल्व कर देते हैं जी, दो मिनट भी नहीं लगेंगे। तो पहला है हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13, तो 13 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचा 7 × 13 + 1। अब यहाँ पे बॉड मास अप्लाई होगा जी, तो बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 11 आएगा क्योंकि 13 बाहर गया, तो ये आ गया 77 + 1, तो ये आ गया 13 × 78। तो दिस इज इक्वल टू, अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 × 13 × 6 × 1 आ गया जी आंसर। इसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और जिसका मतलब ये कि एक से ज़्यादा नंबर हमें दिख रहे हैं, तीन नंबर दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है जी। अब इसका सेकंड वाला सॉल्व कर देते हैं, उसमें अगेन काफ़ी बड़ा फिगर था हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये था हमारे पास। अगेन जी 5 कॉमन ले लेंगे तो बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि 5 बार चला गया, ये 5 भी बार चला गया। तो इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन चीज़ों को, तो आपके पास जो आंसर आएगा जी वो आएगा 1008 प्लस 1 कर दीजिए, तो ये बन गया 5 × 1009, और इंटू 1 तो होएगा ही होएगा। तो अब अगेन तीन मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, तो तीन मल्टीपल दिख रहे हैं मतलब दो से ज़्यादा हैं, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है जी। हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि पिछले में भी देखिए कि यहाँ पे भी तीन मल्टीपल आ रहे थे, 13 था, 6 था, 1 था, तो दो से ज़्यादा है तो कॉम्पोजिट है, तो यहाँ पे भी दो से ज़्यादा है, तो हमने प्रूव कर दिया कॉम्पोजिट नंबर है। अगर सिर्फ दो होते तो फिर ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता, तो ये हमने सॉल्व कर दिया जी। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है जी। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए क्विकली, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। मैं एक छोटी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपकी हेल्प साथ के साथ समझते रहते कि एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, सर्कुलर मतलब गोल, गोल रास्ता है, सर्कुलर पाथ है, पार्क, कोई पार्क होगा जी उसके आसपास एक सर्कुलर रास्ता जैसे नहीं होता नॉर्मल हम पार्क में जाते हैं, तो देयर इज अ सर्कुलर पार्क पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, तो जो सोनिया है, अगर सोनिया यहाँ से शुरू करे तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है जी, 18 मिनट लगता है, ठीक है जी। अब आगे क्या है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है, तो सेम चीज़ अगर रवि ट्राई करेगा तो रवि एक चक्कर पूरा मार लेगा 12 मिनट में, रवि ने लिए 12 मिनट और सोनिया ने लिए 18 मिनट। आगे जी, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही जगह पे शुरू किया, समय भी एक और जगह भी एक पॉइंट, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही जगह में दोनों भाग रहे हैं, तो अब कितना टाइम लगेगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितनी देर बाद ये घूम के या किसी भी एक पॉइंट पे दोबारा वापस मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये दोबारा मिलेंगे, कितने समय के बाद इस पॉइंट पे जहाँ पे स्टार्ट किया था यहाँ पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। एक लेता जी 18 मिनट पूरा करने को, दूसरा लेता 12 मिनट, और अब कब ये दोबारा मीटिंग पॉइंट पे दोबारा आएंगे, ये देखिए, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका सिंपल आंसर होगा जी कि जब ये एलसीएम हम इन दोनों का निकाल लेंगे, अगर हमने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया तो एग्जैक्टली हमें पता लग जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो कॉमनली दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हमने इन कैल्सियम निकालना है, बड़ा ही सिंपल है जी, 12 ले लीजिए, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 6 आ गया, 2 3 3 1 आ गया, देन 18 का निकाल लीजिए, 18 का आ गया हमारे पास, अगेन 2 आ गया जी, 9 आ गया, 3 का 3 आ गया, 3 का 1 आ गया, तो 12 के जो फैक्टर्स आ गए वो 2 × 2 × 3 / 1 आ गया, 18 के आगे जी 2 / 1 और 3 / 2 आ गया। तो एलसीएम बड़ा ही आसान होता है, आपको पता है एलसीएम क्या होता है, हमने सारे फैक्टर लेने हैं और कॉमन कॉमन ये कॉमन है जी, दोनों ही कॉमन है, तो दोनों की बड़ी बड़ी पावर ले लो, 2 / 2 ले लीजिए, 3 / 2 ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 / 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये अराउंड आ गया हमारे पास 36। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो सॉरी निकालना ही नहीं, तो ये 36 आ गया जी एलसीएम, तो इसका क्या मतलब है कि 36 मिनट बाद ये दोबारा जिस पॉइंट पे इन्होंने शुरू किया था वहीं पे ये मिल लेंगे, ठीक है जी। तो जिस पॉइंट पे इन्होंने शुरू किया था 36, आप देखिए ना, ये इससे 18 मिनट ले रहा है, एक 12 ले रहा है, तो जो 12 वाला है वो आगे चला जाएगा, 18 वाला पीछे रह जाएगा क्योंकि वो थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स 1 स्टेप 2 पे निकालना है, स्टेप 1 में आप ये समझ लीजिए कि ये दोबारा एक जगह पे कब मिलेंगे, जहां पे इनका एलसीएम होगा, जहां पे इनका एलसीएम जब निकाल देंगे वो पॉइंट होगा वहां पे ये दोबारा मिलेंगे। तो एलसीएम निकालना में आता, 12 का ले लिया जी, 18 का ले लिया, दोनों का एलसीएम निकाल दिया, 36 आंसर आ गया, तो 36 मिनट्स बाद ये दोबारा मिलेंगे।
तो इस तरह से जी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली खत्म कर ली है, फिनिश कर ली है। इसके अलावा मैंने तो वैसे अपनी तरफ से बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और बड़े मज़ेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, पर फिर भी हो सकता है आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, पर बिल्कुल भी मत घबराएं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है या कुछ भी है जो आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री होके कहिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कोई कमेंट लिखेंगे, कोई भी चीज़ बताएंगे, पूछेंगे, तो मैं बेहद मुझे खुशी फील होगी। मेरी जो इंटेंशन है आपको पढ़ाने की, वो सिर्फ इतनी है कि जो बच्चे कोई ट्यूशन या कोई और चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर बैठे आराम से अच्छे नंबर ले सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप अपना साथ और अपना प्यार देते रहिए। मैं ढेरों क्वेश्चन इंग्लिश, मैथ, साइंस के आपको सॉल्व करके, एक्सरसाइजेज, यूनिट्स चैप्टर सॉल्व करके हमेशा देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।